दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 252 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टेंशन को, जो कि अपनी हाउशन हैमर को बाहर निकल चुका होता है और साथ ही द ग्रेट सुमेरु हैमर की टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है, क्योंकि पिछले फाइट के दौरान टेंशन अपनी फर्स्ट मार्शल सोल ब्लू सिल्वर एम्परर में 8 सोल रिंग को एक एक करके इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो एंजल गॉड क्वीन रेंगसू को नहीं हरा पाया था और साथ ही इस फाइट में वो काफी हद तक घायल भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो ऑस्कर की दी हुई सॉसेज को खाकर खुद को दोबारा से रिकवर कर लेता है और हम देखते हैं कि टेंशन दोबारा से एंजल गॉड क्वीन रेंगसू से लड़ने के लिए अपनी सेकंड मार्शल सोल हाउटियन हैमर को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ ही हैमर की स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर देता है। इधर क्वीन रेंगसू ये देखकर कहती है, एंजल क्लैन और हाउशन जोंग्स की शिकायत, इसे करने का समय आ गया है। क्वीन रेंगसू हाउटियन हैमर की पावर को देखना चाहती थी, आखिर यह कितना ज्यादा पावरफुल है जिसने एक बार उनके पिता को हराया था। वैसे दोस्तों ब्लू सिल्वर एम्परर में अभी भी एक सोल रिंग बची है, इसका इस्तेमाल टेंशन लास्ट में करने वाला है। इधर टेंशन अपनी सोल रिंग को रिलीज करते हुए हैमर में डालना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं जैसे ही टेंशन पहले रिंग को हैमर डालता है तो उसी के साथ ही वो रिंग बिखर जाता है और सीधा आकर टेंशन के बॉडी के साथ मर्ज होने लगता है और उसी के साथ ही साथ हम देखते हैं टेंशन की बॉडी पर एक गोल्डन फ्लेम क्रिएट होने लगती है। अब जैसे ही टेंशन फर्स्ट सोल रिंग को इस्तेमाल करता है तो उसी के साथ ही वो क्वीन रेंगसू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि टेंशन अपनी रैंडम हैमरिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही जोरदार तरीके से अटैक करता है। इधर इस अटैक को होल्ड करने में क्वीन रेंगसू को काफी ज्यादा मुश्किल होने लगती है। यह अटैक इतना खतरनाक था जिसे देखकर ऐसा लगता है कि टेंशन एक गॉड लेवल की वेपन से अटैक किया हो। तभी हम देखते हैं कि टेंशन अपनी हाउशन हैमर में दोबारा से एक के बाद एक करके सारे सोल रिंग को डालना शुरू कर देता है। इस पर हम देखते हैं कि हैमर के पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि टेंशन इस बार इतना भयानक तरीके से अटैक करता है तो ये देखकर खुद मैं भी काफी हद तक हैरान हुआ था, क्योंकि टेंशन एक इंसान होने के नाते गॉड को टक्कर दे रहा है। सच में ये सीन देखने में कॉपी ज्यादा अमेजिंग होता है। इधर क्वीन रेंगसू टेंशन के इतनी भयानक अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुई थी। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि टेंशन इस तरह से उसका सामना करेगा। अब तक वो टेंशन को सिर्फ हराना ही चाहती थी, लेकिन अब उसकी इरादा बदल जाती है और अब वो टेंशन को मारने के बारे सोचने लगती है। यदि अगर टेंशन गॉड बन गए तो उसका सामना करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और उसी के साथ ही हम देखते हैं क्वीन रेंगसू अपने प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और टेंशन की इस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन टेंशन उस शील्ड पर इतनी भयानक तरीके से अटैक करता है वो शील्ड भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और साथ ही इस फाइट में टेंशन एंजेलिक डोमिंग को भी पूरी तरह से सरप्रेस कर दिया होता है, जिसके साथ ही क्वीन रेंगसू ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर किसी एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है। इधर टेंशन इस अटैक की वजह से काफी हद तक घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी 8 स्पाइडर लांस की मदद से खड़ा हुआ होता है। तभी टेंशन क्वीन रेंगसू को रोक लेता है और उससे कहता है कि अभी मेरे पास एक और सोल रिंग बची हुई है। वैसे ये सोल रिंग टेंशन के ब्लू सिल्वर एम्परर के 9th स्पिरिट रिंग होती है। तभी हम देखते हैं कि टेंशन फाइनली इस सोल रिंग को भी इस्तेमाल कर देता है। हम देखते हैं कि यह सोल रिंग भी ब्लास्ट होकर टेंशन के बॉडी के साथ मर्ज होने लगती है, जिसके साथ ही टेंशन क्वीन रेंगसू से कहता है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ पहली बार इस तरह की एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यह अब तक की मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल और सीक्रेट टेक्निक है। और यह सीन यही कट हो जाता है और इसके अगले सीन में हमें टेंशन को दिखाया जाता है और वो इस समय आखिरकार तांग मिंग के पहले छिपे हुए वेपन गोवानी ठेर का इस्तेमाल करता है, जिससे उनकी बॉडी में चेंजेस आने लगती है और वो पुराने जन्म के टेंशन के रूप में बदलने लगता है। और इसी के साथ ही टेंशन कहता है, यह मेरे इस दुनिया में आने के बाद की बात है और साथ ही यह इस दुनिया से गुजरने के बाद भी है, लेकिन मैं भी नहीं जानता आखिर यह कितना ज्यादा पावरफुल है, मगर इतना तो पता है कि यह मेरे टेंशन के सीक्रेट वेपन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है और यह एक गॉड को भी मार सकती है। तभी हम देखते हैं कि टेंशन इसका इस्तेमाल करते हुए क्वीन रेंगसू पर अटैक कर देता है। यह अटैक सीधा क्वीन रेंगसू के दिल में जाकर लगती है। इस अटैक लगने की वजह से क्वीन रेंगसू काफी
हद तक घायल हो जाती है। वैसे दोस्तों, मैं इसकी नोवेल को डिटेल में एक्सप्लेन करके फ्राइडे में अपलोड करने वाला हूँ। और इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।